2018 में तीन तलाक कानून बना। देश में इस कानून पर कई बहसें हुई। इसके समर्थन और विरोध में कई लोग आगे भी आए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता गया। उस वक्त लगा था कि अब मुस्लिम महिलाओं को इस अत्याचार वाली प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तीन तलाक अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब 12 साल की शादी को फिर उन्हीं तीन शब्दों से तोड़ दिया जाए, तब ये कहा जा सकता है कि तीन तलाक आज भी जिंदा है। भले ही इस पर कानून बन चुका है, यूपी के सहारनपुर के थाना नानौता में शादी के 12 साल बाद एक पति ने पत्नी को तीन तलाक दिया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति आलम ने उससे मायके से 1,00,000 रुपए लेकर आने को कहा था, जिसको लेकर वो उसे हमेशा प्रताड़ित भी करता था। वही महिला ने जब उसे पैसे नहीं दिए तो इससे नाराज होकर उसने मारपीट भी की और उसके बाद तीन तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वो अपने मायके पहुंची और अपने परिजनों को सारी बात बताई, जिसके बाद उसके परिजनों ने पहले आलम के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश की। जब आलम नहीं माना तब उन्होंने कानून का सहारा लेना मुनासिब समझा। पीड़िता के परिजनों के शिकायत के बाद पुलिस ने आलम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। ननौता में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था पति के खिलाफ। उसमें तमाम विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने प्रेषित किया गया है और विवेचना जारी है और समुचित कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता महरूबा और आलम की शादी 12 साल पहले 2009 में हुई थी। इन दोनों के तीन बच्चे भी हैं, लेकिन अपने पति की गलत संगतों की वजह से वो परेशान थी, क्योंकि इसी की वजह से वो महरूबा के साथ रोजाना मारपीट करता था। फिर वो पैसे की मांग भी करने लगा, लेकिन जब महरूबा ने पैसे देने में असमर्थता जताई तब आलम ने उसे जान से मारने तक की धमकी दे दी। अब जबकि तीन तलाक के बाद महरूबा ने कानूनी कार्यवाही का सहारा लिया, तब परिणाम सबके सामने है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपथ टीवी चैनल से। साथ ही राजपथ टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।